एक अल्टरनेट यूनिवर्स जहाँ की टेक्नोलॉजी हमारे यूनिवर्स से काफी ज्यादा एडवांस्ड है, जहाँ दो एस्ट्रोनॉट्स अभी 6 साल के डीप स्पेस मिशन पर गए हैं, जहाँ से उनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1969 से होती है, जहाँ अभी डेविड अपने दो बच्चों की पेंटिंग बना रहा है। वहीं पीछे से उसकी वाइफ जेसिका आती है और कहती है कि उन्हें निकलना चाहिए वरना वे मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। अब मूवी खत्म होने के बाद एक कपल उन्हें रोक लेता है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है, क्योंकि उन्होंने डेविड को टीवी न्यूज में देखा था और वे उसे छूकर भी देखते हैं। अब डेविड इतना फेमस क्यों है और क्यों लोग उसे छूकर देख रहे हैं, हमें जल्दी ही पता चलेगा। अब घर आने के बाद जेसिका अपने घर के बाहर एक अजीब सी वैन को देखती है। वहीं ऐसा लग रहा था मानो कोई उन पर नजर रख रहा हो, मगर जेसिका इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर चली जाती है। अब बच्चों के सोने के बाद दोनों एक साथ टाइम बिताते हैं और इंटीमेट भी होते हैं, मगर तभी डेविड के रिस्ट वॉच पर सिग्नल आने लगता है कि उसे अभी कहीं निकलना होगा। वहीं ऐसा ही एक और कपल दिखाया जाता है, जहां क्लिफ अपनी पत्नी लाना और एक बेटे हेनरी के साथ रहता है, जहां क्लिफ ने अभी अभी शहर से काफी ज्यादा दूर एक घर खरीदा है ताकि वो आम पब्लिक से दूर रह सके। मगर क्लिफ की लाइफ डेविड से बहुत अलग है, यहां क्लिफ लाना के साथ ज्यादा घूमता फिरता नहीं है और वे ज्यादातर बोरिंग लाइफ ही जीते हैं, जिससे कि लाना भी अपने पति से कुछ तक डिसअपॉइंटेड है। अब अचानक से उसी शाम क्लिफ के पास भी वैसा ही एक सिग्नल आता है जैसा कि डेविड के पास आया था। अब ये सिग्नल आते ही दोनों ही डेविड और क्लिफ अपने ही घर में बने एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और एक हाईली एडवांस्ड मशीन में बैठकर सीधा अब एक स्पेसशिप में खुद को पाते हैं। और यहाँ से रिवील होता है कि दोनों ही क्लिफ और डेविड एक 6 साल लंबे स्पेस मिशन पर भेजे गए हैं और पृथ्वी पर जो डेविड और क्लिफ हमने देखे थे वे दोनों रोबोट्स हैं, जिनकी सिंथेटिक बॉडी इन दोनों के डीएनए से बनाई गई है। और जब भी दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप में फ्री होते हैं तो वे अपनी चेतना को एक मशीन के द्वारा पृथ्वी पर मौजूद अपने सिंथेटिक बॉडी में भेज लेते हैं, जिससे कि वे अपने परिवार के साथ समय बिता पाएं, जिस दौरान उनकी रियल बॉडी स्पेसशिप में सोती रहती है। और वे शिप में तभी वापस आते हैं जब या तो उन्हें अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है या फिर उन्हें किसी अलर्ट का सिग्नल मिलता है, जैसे कि आज मिला है। अब शुरू में ही बताया गया था कि ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स है, जहां साल 1969 में ही इस यूनिवर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब यहां आज एक छोटी सी प्रॉब्लम शिप में हुई है, तो क्लिफ जल्दी से सारी चीजें निकालकर स्पेस सूट पहन लेता है और फिर बाहर स्पेस में जाकर शिप में आई प्रॉब्लम को ठीक करने लगता है। वहीं डेविड रेडियो से उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अब कुछ ही देर के बाद क्लिफ शिप को ठीक कर देता है, जिसके बाद कुछ देर तक दोनों बात करते हैं और फिर से अपने अपने शरीरों में चेतना को ट्रांसफर करके पृथ्वी पर आ जाते हैं। यहाँ क्लिफ पाता है कि लाना पड़ रही है और वो यहाँ आसपास के लोगों को पार्टी देने की सोच रही है, जिससे कि वे आसपास के लोगों को जान पाएं। मगर क्लिफ नहीं चाहता कि ज्यादा लोग उसे पहचाने और वो खुद को फेमस करना भी नहीं चाहता। वहीं डेविड पृथ्वी पर आते ही पाता है कि नीचे से किसी की रोने की आवाज आ रही है। यहाँ डेविड संभल कर नीचे आता है, जहाँ वो पाता है कि कई सारे अजीब से लोग उसके घर घुस आए हैं और उसकी फैमिली को उन्होंने बंधक बना लिया है। अब उनका लीडर कहता है कि पृथ्वी जल्दी ही खत्म होने वाली है और डेविड शैतान का भेजा हुआ दूत है जो कि उन्हें भ्रष्ट करने आया है। दरअसल इस कल्ट ग्रुप को रियल लाइफ कल्ट ग्रुप चार्ली मेंशन के जैसा दिखाया गया है, जो कि 1970s के आसपास काफी ज्यादा फैला था और इसके बारे में आप और ज्यादा विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। और वे लोग भी ऐसी ही बातें करते थे कि पृथ्वी जल्दी ही खत्म होने वाली है, यानी कि ये ग्रुप अल्टरनेट यूनिवर्स का चार्ली मेंशन कल्ट है। अब इस ग्रुप का मानना है कि डेविड जैसे एंड्रॉइड का इंसानों के बीच रहना उन्हें करप्ट कर रहा है। अब डेविड उन्हें अपने घर से जाने को कहता है, मगर वे उस पर अटैक करके कंट्रोल कर लेते हैं और उसका एक हाथ काट देते हैं। अब चूंकि ये सिर्फ डेविड की सिंथेटिक बॉडी है, सो ऑब्वियसली खून नहीं निकलता और इससे उन्हें लगने लगता है कि ये लोग प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं और उन्हीं की वजह से कयामत का दिन आने वाला है, सो उन सबको अभी मरना होगा। और यहाँ से वे डेविड के सिर पर मारते हैं, जिससे डेविड अब खुद को फिर से स्पेसशिप में पाता है। अब वो जल्दी से फिर से अपने शरीर में जाने लगता है, जहाँ वो पाता है
कि वो बंधा हुआ है और वो कल्ट उसकी फैमिली को मारने जा रहा है। हालांकि जेसिका खुद का हाथ काटकर उन्हें अपना खून भी दिखाती है कि वे इंसान ही हैं, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वे डेविड के सामने ही एक एक करके उसके सारे फैमिली मेंबर्स को बेरहमी से जान से मार देते हैं और उनका खून घर की दीवारों पर लगाने लगते हैं और आखिर में डेविड की सिंथेटिक शरीर को भी आग लगा देते हैं। वहीं क्लिफ को फोन से डेविड की फैमिली के साथ हुई इस दुर्घटना का पता चलता है और वो जल्दी से फिर से शिप में जाता है जहां अब डेविड बुरी तरह से रो रहा था। क्लिफ उसे कुछ वक्त अकेले में छोड़ देता है और फिर से पृथ्वी पर आता है और लाना को सब कुछ बताता है, मगर लाना ऑलरेडी ये सब कुछ सुबह ही टीवी न्यूज में देख चुकी थी। अब लाना कहती है कि क्या उन्हें भी पुलिस प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, मगर क्लिफ कहता है कि वैसे भी किसी को पता तक नहीं है कि वे यहाँ रहते हैं और इसीलिए वो शुरू से ही नहीं चाहता था कि वे फेमस हो। अब क्लिफ कहता है कि उसे डर है कि कहीं डेविड स्पेस में अकेला रहकर टूट न जाए। वहीं लाना कहती है कि वे उसकी एक और नई बॉडी पृथ्वी पर क्यों नहीं बना सकते, जहां क्लिफ बताता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि उन्हें सिंथेटिक बॉडी बनाने के लिए रियल बॉडी की जरूरत होती है और वैसे भी अब डेविड का पूरा परिवार मारा गया है तो वो पृथ्वी पर किसके लिए आएगा। अब क्लिफ और ज्यादा वक्त शिप में गुजारने लगता है ताकि डेविड खुद को अकेला महसूस ना करे। वहीं डेविड अब उससे ज्यादा बात नहीं करता और चुपचाप ही रहने लगता है। अब एक सुबह पृथ्वी पर क्लिफ पाता है कि आज डेविड की फैमिली का फ्यूनरल होने वाला है जिसे कि लाइव टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। वहीं डेविड यही प्रसारण स्पेसशिप में भी देख काफी ज्यादा दुखी था। अब कई महीने गुजर जाते हैं जहां डेविड अब शिप पर ही अकेला रहता है, वो पृथ्वी पर नहीं जा सकता। ऊपर से उसकी आंखों के सामने उसकी फैमिली का मारा जाना जिससे कि अब वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है। अब एक दिन जब क्लिफ अपने बेटे के साथ फिशिंग कर रहा था तभी उसके पास एयरलॉक बंद होने का नोटिफिकेशन आता है और यहाँ से वो जल्दी से शिप में पहुँचता है जहाँ वो पाता है कि डेविड ने खुद को एयरलॉक वाले रूम में बंद कर लिया है और वो खुद को जान से मारने जा रहा है। अब डेविड जल्दी से दरवाजा खोलता है और फिर अंदर जाकर डेविड को समझाने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वापिस से पृथ्वी पर आकर क्लिफ लाना को बताने लगता है कि अगर डेविड ने शिप पर खुद को नुकसान पहुंचाया तो उनका पूरा स्पेस मिशन खतरे में पड़ जाएगा और चूंकि वो अकेला मिशन को पूरा नहीं कर सकता तो इससे उसकी जान भी खतरे में आ जाएगी। अब लाना आइडिया देती है कि क्लिफ को कुछ वक्त के लिए डेविड को अपनी बॉडी दे देनी चाहिए जिससे कि वो पृथ्वी पर आ सके और शायद इससे उसे कुछ अच्छा लगे क्योंकि वो कई महीनों से स्पेस में अकेला ही है। अब क्लिफ फिर से स्पेसशिप में जाता है और जब वे रूटीन चेक कर रहे थे क्लिफ डेविड को अपनी चेतना को क्लिफ की बॉडी में पृथ्वी पर जाने को कहता है जिससे उसे कुछ अच्छा महसूस हो। अब डेविड इसके लिए मान जाता है जहां क्लिफ जल्दी से पृथ्वी पर लाना को बता देता है कि उसके शरीर में डेविड आने वाला है। अब डेविड अपनी चेतना को क्लिफ की सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। यहां से उसे कुछ मिनट के लिए काफी अजीब लगता है क्योंकि वो क्लिफ की बॉडी में था, जहां बाहर लाना उसे वेलकम करती है और बाहर का खुला माहौल दिखाने लगती है। अब डेविड कई महीनों बाद पृथ्वी पर वापिस आया था जहाँ से वो यहाँ की प्रकृति, ताजी हवा और जीवों को देख काफी ज्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था, जिसके बाद उसे अपने परिवार की याद आती है और वो रोने लगता है, जहां लाना उसे शांत करती है। अब वो क्लिफ के घर को ड्रॉ करने का फैसला करता है क्योंकि वो एक पेंटर है। अब वापस से शिप आकर डेविड क्लिफ को थैंक्स बोलता है कि उसने उसे फिर से पृथ्वी पर जाने का मौका दिया। अब क्लिफ पृथ्वी पर चला जाता है और डेविड पृथ्वी पर जो उसने क्लिफ का घर देखा था उसी की ड्राइंग बनाने लगता है। अब कई दिन बाद जब क्लिफ वापस आता है डेविड उसे उसकी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है जिसे देख क्लिफ भी हैरान था कि उसने कितनी बारीकी से सब कुछ ड्रॉ किया है। अब डेविड यहाँ से क्लिफ से रिक्वेस्ट करता है कि क्लिफ उसे फिर से अपनी बॉडी में जाने दे जिससे वो ऑयल पेंट से पूरी पेंटिंग बनाना चाहता है, मगर वो ऐसा तब ही करेगा जब उसे क्लिफ की इजाजत हो। अब क्लिफ पृथ्वी पर आने के बाद लाना से इस बारे में डिस्कस करता है कि अब से हर हफ्ते बस एक घंटे के लिए डेविड यहाँ उसकी बॉडी में आया करेगा। अब चूंकि यहाँ आने से डेविड की मानसिक हालत सुधर रही है तो लाना भी इसके लिए हाँ कह देती है। अब अगली बार डेविड पृथ्वी पर आता है जहाँ पहले से लाना ने उसके लिए
पेंटिंग का सारा सेटअप कर रखा था, जहां वो लाना से उसकी किताबों के प्रति हॉबीज के बारे में भी बात करता है। और अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, जहां क्लिफ और डेविड बार बार उसके शरीर से पृथ्वी पर आते जाते। वहीं पेंटिंग से अब डेविड भी काफी बेहतर महसूस कर रहा था। अब शुरू में तो लाना डेविड को अकेले छोड़ देती, मगर अब समय के साथ वो उसे काफी अच्छे से घुलने मिलने लगती है। जहां एक दिन डेविड लाना को पेंटिंग सिखा रहा था, तभी लाना भूल जाती है कि उसके पति के शरीर में कोई और है, और वो इसे काफी एम्बेरेस्ड भी फील करती है। वहीं शिप पर आकर डेविड लाना की ड्राइंग्स बनाने लगता है, और अब यहाँ से तो डेविड और लाना और ज्यादा घुलने मिलने लगते हैं, जहाँ डेविड और लाना अब कई बार बाहर भी घूमने जाते, वहीं क्लिफ तो हमेशा घर पर ही रहता, जिससे लाना अक्सर बोर ही होती। और अब तो उसे भी क्लिफ से ज्यादा डेविड अच्छा लगने लगा था, हालांकि शरीर अभी भी उसके पति क्लिफ का ही था। अब कुछ दिन बाद फाइनली डेविड ने पेंटिंग पूरी कर ली थी, जो कि लाना को काफी पसंद आती है, और इसे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों डांस करने लगते हैं। मगर इसी बीच डेविड लाना से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, और लाना को ये पसंद नहीं आता, और वो वहां से घर की ओर भाग जाती है। वहीं छोटा हेनरी ये सब देख रहा था। दूसरी ओर डेविड उसके पीछे घर जाता है और फिर से लाना के करीब जाने लगता है, और उससे कहता है कि उसे पता है कि लाना को भी वो पसंद आ रहा है। अब लाना उसे धक्का देकर कहती है कि उसे तो बस अपने पति का शरीर दिखाई देता है, डेविड नहीं। जिसके बाद डेविड गुस्से में वहां से चला जाता है, और पाता है कि किसी ने उसकी पेंटिंग जानबूझकर खराब कर दी है। ये सब हेनरी ने किया था, जिसके बाद डेविड उसे थप्पड़ मारता है, और यहाँ से हेनरी रोते हुए घर आता है। और जब लाना को इसके बारे में पता चलता है, तो वो डेविड से कहती है कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अब डेविड वापस से शिप में आता है, जहाँ वो क्लिफ को कुछ नहीं बताता। वहीं क्लिफ पृथ्वी पर आकर लाना से कहता है कि वो बस डेविड को उसकी पेंटिंग पूरी करने दे, और फिर वो नहीं आएगा। यहाँ लाना ने अभी तक भी क्लिफ को बताया नहीं था कि डेविड उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि क्लिफ की डेविड से लड़ाई हो। अब अगली बार डेविड जब पृथ्वी पर आता है, तो लाना हेनरी के साथ घर से चली जाती है, तो डेविड अकेले में ही पेंटिंग करने लगता है। वहीं स्पेसशिप में क्लिफ पाता है कि ट्रेडमिल खराब हो गई है, तो बोरियत से बचने के लिए वो डेविड की बनाई ड्रॉइंग्स देखने लगता है। लेकिन इन्हीं ड्रॉइंग्स के बीच वो पाता है कि डेविड ने उसकी पत्नी की बिना कपड़ों की ड्रॉइंग्स बना रखी है। क्लिफ यहाँ से जल्दी से अलर्ट भेजता है, और जैसे ही अब डेविड वापिस आता है, क्लिफ गुस्से में उससे पूछने लगता है कि उसने ये ड्रॉइंग्स क्यों बनाई। यहाँ डेविड नाटक करता है कि ये तो बस उसने फैंटेसी के रूप में बनाई है, मगर क्लिफ यहाँ से उसे पंच करता है, और उसे पता चल चुका था कि डेविड उसकी पत्नी को गलत नजरों से देखता है। अब डेविड भी गुस्से में कहता है कि चूंकि क्लिफ के पास सब कुछ है, मगर फिर भी उसे उनकी कदर नहीं है, और जब उसके पास उसकी फैमिली नहीं होगी, तब उसे पता चलेगा कि डेविड के ऊपर क्या बीत रही है। अब क्लिफ फिर से पृथ्वी पर जाता है, जहां वो डेविड की बनाई गई सारी पेंटिंग्स को तोड़ देता है, और लाना से पूछने लगता है कि क्या वो डेविड के साथ इंटीमेट हुई है। जहां लाना उसे समझाने लगती है कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और क्लिफ अब ये सुन काफी ज्यादा राहत महसूस करता है, और लाना से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से वो उन्हें बाहर घुमाने ले जाया करेगा। अब अगली बार जब क्लिफ शिप में था, डेविड उससे माफी मांगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो एक आखिरी बार पृथ्वी पर जाने को कहता है, ताकि वो लाना और हेनरी से माफी मांग सके। अब क्लिफ कहता है कि वो उसे अपनी जगह कभी नहीं भेजेगा, और वो झूठ भी बोलता है कि लाना का मानना है कि डेविड एक घटिया आदमी है। जिसके बाद क्लिफ खुद पृथ्वी पर आ जाता है। अब एक दिन जब क्लिफ फैमिली के साथ था, तभी उसके पास शिप में किसी प्रॉब्लम का अलर्ट आता है, और वो जल्दी से शिप में पहुंचता है, जहां डेविड उसे बताता है कि बाहर शायद से कुछ टूट गया है। तो पहले की तरह क्लिफ अब जल्दी से अपना सारा सामान निकालकर स्पेस सूट पहनता है और बाहर देखने जाता है, मगर इस बार वो पाता है कि सब कुछ ठीक है और कुछ भी खराब नहीं है। मगर अब अचानक से अंदर से रेडियो पर डेविड जवाब देना बंद कर देता है। वहीं क्लिफ घबराकर वापस से अंदर आने लगता है, मगर अब एयरलॉक भी बंद हो चुका था। वहीं क्लिफ चिल्लाता रहता है कि उसे अंदर आना है, क्योंकि उसके सूट में ऑक्सीजन काफी ज्यादा कम है। अब फाइनली कई देर बाद दरवाजा खुल जाता है और क्लिफ अंदर आता है, जहां डेविड उससे कहता है कि शायद से कंप्यूटर ने उन्हें फॉल्स रिपोर्ट भेजी होगी, और वो बाथरूम में था इसलिए रेडियो पर वो जवाब नहीं दे पाया। अब क्लिफ को शक होता है
कि कहीं डेविड ने उसकी पीठ पीछे कुछ किया तो नहीं, और वो अपने सामान में से लिंक कार्ड गायब पाता है, वही लिंक कार्ड जिससे वे पृथ्वी पर जा पाते हैं, और वो कार्ड डेविड अब अपनी जेब से निकालता है। यहाँ से तो क्लिफ का शक और ज्यादा बढ़ चुका था और वो सब कुछ चेक करने के लिए अब फिर से पृथ्वी पर जाता है, जहाँ वो पाता है कि उसकी सिंथेटिक बॉडी अब खून में सनी हुई है। वो नीचे जाता है जहाँ अब हर तरफ खूनी खून फैला पड़ा है, वहीं उसकी पत्नी और बेटे की बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिन्हें की डेविड ने उसकी पीठ पीछे आकर जान से मार दिया। और अब ये सब देखकर क्लिफ पूरी तरह से टूट चुका था। वो गुस्से में वापस से शिप में आता है, जहां डेविड उसी के इंतजार में था, जिसने कि अब उसे भी अपने जैसा बना दिया था। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।